फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन आपको देखिए व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन ऑफ ए पार्टिकल इनक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देखो आपको कही जो टेम्परेचर इनक्रीज हम से काइनेटिक एनर्जी उपर कौन प्रभाव पड़ो। देखो टेम्परेचर इनक्रीज कर मैंने काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज कर राइट आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो एयर में मॉइस्चर को हमें मापिबा तो आप व्हाट इज द मेजर ठीक अच्छे। तो आप जो एयर में मॉइस्चर थाए तो आम कौन कही थाऊँ ह्यूमिडिटी बोली कही थाऊना ठीक अच्छे। एयर प्रेजेंट थी मॉइस्चर को आम ह्यूमिडिटी बोली कही थाऊ ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस। देखो नोबेल गैस आपको पचारूँ बहुत थर तो ग्रुप 18 एलिमेंट जो आम इनर्ट गैस कहे ठीक अच्छे। तो नोबेल गैस है हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन तो आ भितर के अच्छी देखो ऑप्शन सी रे हीलियम अच्छी तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दी देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन द कंट्री टू अटेंड फुल डिजिटल लिटरेसी एमंग इट्स रेसिडेंशियल। तो आपंकर जानते तो सी हूँ आपंकर लिटरेसी रेट अधिक आपर होता कौटिना केरला पुलाम आपर पुलाम परा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपको रहा द 12th शेड्यूल वाज इनसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। देखो तो 12th शेड्यूल आपंकर जाता इनसर्ट होता 74वां संविधान संशोधन जरिया ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर 74वां। नेक्स्ट देखिए द टेम्परेट फॉरेस्ट इन नीलगिरीज आपंकर अनाइमलिया एंड पालानी हिल्स आर कॉल्ड एज। तो आप जो टेम्परेट फॉरेस्ट देखा जाए नीलगिरी अंचल अनिमलाई अनाइमलाई अंचल पालानी हिल्स अंचल तो आम कही था मन रखिए कौन कही थाऊँ कही था सोलास कौन कही था सोलास कही था ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा हू वाज नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप। देखो आप 2022 जो आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप होता तो से प्लेयर ऑफ द आपंकर टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपंकर क्या कराई है तो समस्त मन रखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपंकर साम करन को कराइला इंग्लैंड खेलाड़ी साम करन आप मन रखिए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा इन नवंबर 1804 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डैश रुपीज इन ओडिशा। देखो 1804 मसीह ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आपंकर डैश रुपीज ओडिशा रे आपंकर प्रचलित करथिला मन रखिए सिक्का हला ऑप्शन नंबर बी सिक्का। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ठीक अच्छे। तो आपंकर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आप समस्त जानते तो आपको ये पचार देती कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे तो लोकटाक लेक जोटा कि मणिपुर अवस्थित सेटा हो तो आपंकर जदि एमती भी खाली बजार था आप लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया तो आप सिंपल करेंगे उलार लेक काश्मीर ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए द हेडक्वार्टर ऑफ आपंकर गदार पार्टी तो गदार पार्टी आपंकर हेडक्वार्टर अपना लाला हरदयाल द्वारा होता तो गदार पार्टी हेडक्वार्टर आपंकर सान फ्रांसिको है तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा व्हिच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगुली रिवर। देखो हुगुली रिवर कूल आपंकर क्यों पोर्ट टी अवस्थित तो मन रखिए पारादीप पोर्ट तो हेनी है तो हुगुली नदी कूल आपंकर कोलकाता पोर्ट ठीक अच्छे। कोलकाता पोर्ट ऑप्शन सी रे अच्छी ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा द तालचेर कोलफिल्ड इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ एटा समस्त प्राय तो जानते इंपोर्टेंट क्वेश्चन तालचेर कोलफिल्ड आपंकर क्यों जगार अच्छी ना ओडिशा रे अच्छी जानते समस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन द रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी रेड कलर पर आपंकर क्योंटी दायी बोली आपको पचारे ग्लाइकोजेन ऑक्सीटोसिन प्लाज्मा हिमोग्लोबिन ठीक अच्छे। तो आपको पचार रेड कलर इन द आरबीसी आरबीसी रेड कलर पर आपंकर दायी किए ना दायी हूँ आप मन रखिए सब हिमोग्लोबिन दायी ठीक अच्छे हिमोग्लोबिन हूँ दायी। नेक्स्ट हूँ वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ हिट्स। देखो वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन घर्षण विपरीत दिग्वे जो वर्क डन होता है ऑलवेज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ डैश ऑलवेज रिजल्ट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ठीक अच्छे गतिज शक्ति लॉस सब होता है। नेक्स्ट आपको देखिए बालीमेला रिजर्वियर इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। बालीमेला रिजर्वियर आपंकर एटा मालकानगिरी अवस्थित ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा इन व्हिच डिस्ट सॉरी इन व्हिच ईयर डिड द चौरी चोरा इंसिडेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल काल मैंने आपंकर ब्रिटिश मान शासन काल में चौरी चोरा जो इनसीडेट होता चोरी चोरा जो आपंकर अग्निकाण्ड आपंकर
तो सेटा आपनकर केते मसेर हेतिला ना चोरी चोरा आपनकर हेतिला 1922 मसेर ठीक अछि 1922 मसेर चोरी चोरा कांड हेतिला। नेक्स्ट देछि व्हेयर इज मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मानस टाइगर रिजर्व केउ जगह रे, मानस होउछि आसाम रा मानस। नेक्स्ट आपन को पचारे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स टू हैव ए बॉडी ऑफ, तो आपनर केउ आपन कहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीड्स, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स टू हैव ए बॉडी ऑफ, तो आपनर केउ रीड्स ता आपनर कहिथे, तो सी होउछि आपनर हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रो मीनिंग होउछि टू हैव ए बॉडी ऑफ, हैबियस कॉर्पस रो मीनिंग होउछि टू हैव ए बॉडी ऑफ। नेक्स्ट डे जी सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सरदार सरोवर डैम हैला एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरदार सरोवर डैम आपनर गुजरात रे अवस्थित ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन तो केउ नदी उपरे अछि, तो एटा कमेंट करी कहिबे केउ नदी उपरे आपनर सरदार सरोवर डैम टी आपनर तयारी हेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन केसिबा, नेक्स्ट आपन आउ गोटे कमेंट करी कहिबे तेहरी डैम टा आपनर केउ नदी उपरे अछि, तेहरी डैम जोटा कि लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। व्हिच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेक्टेड इन नवंबर 26, 1949। देखो नवंबर 26 को आपनर कॉन्स्टिट्यूशन टा अडॉप्ट हेतिला, तो ताको आमे कॉन्स्टिट्यूशन डे भाबे पालन करि आछु। तो पछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो आ भितर केउटे गोटे पार्ट नथिला, तो करेक्ट आंसर टी हेजिवो नथिला जदि पचारछि सेटा इंटीग्रिटी हेजिवो करेक्ट आंसर हला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दैछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेड क्वार्टर जदि आपन जानि नांति मु आपन पई वीडियो ऑलरेडी बनै दैछि, तो आपन जाई कि चैनल उपर वीडियो देखि परिवे। तो पछि केउ रिपोर्ट आपनकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा हेतै, तो मॉनेटरी फंड द्वारा होथिबो माने निहाती हबरे निहाती फाइनेंशियल उपर हेतिबो, तो ऑप्शन ए रे अछि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वायसराय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन को समय रे केउ आपनकर केउ एक्ट टी आपनकर पास हेतिला ठीक अछि। लॉर्ड लिटन को टाइम रे आपनकर वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट मन रखिबे, वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट जोटा कि 1878 मसिया रे पास हेतिला ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन ठीक अछि। नेक्स्ट आपन को देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट दि जालियानावालाबाग, आपण जानथिबे जालियानावालाबाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 मसिया रे, तो से जालियानावालाबाग हत्याकांड रा इन्वेस्टिगेशन करिया पई गोटा हंटर कमिटी गठन हेतिला। समस्त जानथिबे हंटर कमिटी 1919 रे आपणर गठन हेतिला, तो करेक्ट आंसर हे जीव ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देछि 9 डिग्री चैनल सेपरेट, तो आपणकर 10 डिग्री चैनल कथा पचारे, एठी पचारछि 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल आपणकर केउ केउ जगह को आपणकर सेपरेट करछि, तो सी आपणकर लाकाडीप्स आपणकर आउ मिनिकॉय आइसलैंड ठीक अछि, लक्षद्वीप आउ आपणकर मिनिकॉय आइसलैंड को सेपरेट करछि। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ भौमकार डायनेस्टी, तो भौमकार डायनेस्टी रा प्रथम वुमेन रूलर थिले किए, तो एटा पचारे आपणकु एटा मन रखिबे त्रिभुवन महादेवी वन हैला ऑप्शन ए। नेक्स्ट पचारछि व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट हैला, तो पचारछि व्हिच शेड्यूल, तो केतेतम शेड्यूल रे कहैछि जे थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर सिस्टम हैला, तो एटा कह जाइछि जनरली मन रखिबे सततम शेड्यूल 7th शेड्यूल ऑप्शन बी ऑप्शन डी ठीक अछि। नेक्स्ट अनंतपुर आयरन ओर डिपोजिट आर लोकेटेड इन डैश स्टेट, अनंतपुर आयरन ओर डिपोजिट केउ जगह अवस्थित ना, अनंतपुर होची आंध्र प्रदेश रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे इन इंडिया द नोटा ऑप्शन इज परमिटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन हला, नोटा हला नोटा होची लोकसभा इलेक्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपण दे द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम, तो फंडामेंटल ड्यूटी आसला केउ जगह रु ना यूएसएसएआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, केउ आसला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी हे जीव करेक्ट आंसर फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट आपण दे एट प्रेजेंट हाउ मेनी कैबिनेट कमिटीज आर फंक्शनल इन इंडिया, तो वर्तमान सुधा केतेटा कैबिनेट कमिटी आम इंडिया फंक्शन करुछन्ती, तो मन रखिए कैबिनेट कमिटी होची 8टी कैबिनेट कमिटी ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देजी व्हेन डीड
महात्मा गांधी कंडक्ट हिज फर्स्ट मीटिंग इन ओडिशा। ओडिशा रे महात्मा गांधी प्रथम मीटिंग केबे करथिले हैला तो सॉरी केते माने केउ जागा रे करथिले व्हेयर डिड महात्मा गांधी कंडक्ट हिज फर्स्ट मीटिंग इन ओडिशा। ओडिशा रे आपनकर करथिले से केउ जागा रे ना कटक थारे करथिले ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट व्हेन डी सॉरी व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक रो हेडक्वार्टर होची संघाई चाइनार संघाई ठारे अवस्थित है संघाई चाइना ठारे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कौन दे देखा हू एमंग दि फलोइंग वाज सॉरी हाज बीन अनर्ड विद द 2022 लिबरेटी मेडल। तो 2022 लिबरेटी मेडल आपंकर क्या दि जाइए पचार तो मन रखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी रही है करंट अफेयर क्वेश्चन 2022 लिबरेटी मेडल टी दिखाई आपंकर भलो डायमिया जेलेन्स्की को दिखाई तो ऑप्शन नंबर डी लिबरेटी अवार्ड आप जानते जेलेन्स्की बहुत चर्चा थे तो आप ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए हू हाज द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। देखो मुझे कही थी तीन प्रकार इमरजेन्सी अच्छी 352 356 360 है यहाँ हूँ आप कौन ना नेशनल इमरजेन्सी यहाँ हूँ प्रेसिडेंट रूल यहाँ हूँ फाइनेंशियल इमरजेन्सी लगेबार कैपेबिलिटी क्या पाखे अच्छी ना ओनली वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखे अच्छे। नेक्स्ट देखिए द टूर डे फ्रांस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। टूर डे फ्रांस आपंकर क्यों स्पोर्ट को एसोसिएट कर तो यहाँ बाइसाइकल रेसींग आपंकर एसोसिएट कर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आज पर सेनस 2011 व्हिच स्टेट हाज द लोएस्ट डेनसीटी अफ पपुलेसन इन इंडिया। जदि आम 2011 मसीहार सेनस रिपोर्ट को देखा सबुठ पपुलेसन डेनसीटी कम क्यों स्टेट्र है तो सबुठ पपुलेसन डेनसीटी कम हो क्यों स्टेट्र ना अरुणाचल प्रदेश ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट अरुणाचल प्रदेश। द लोअर हाउस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। देखो लोअर हाउस आमर दुटा अच्छी गोटे हूँ लोकसभा गोटे राज्यसभा है लोअर हाउस आम अदरवैज लोकसभा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको देखिए हू डेवलप्ड दि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपनर एडवर्ड जेनर को द्वारा आपनकर डेवलप कराइला। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट होगा मिनिमम बयस के दरकार ना 35 वर्ष मिनिमम दरकार ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर 35 वर्ष। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इज एसोसिएटेड विथ कबाड़ी। देखो कबाड़ी में आपंकर क्यों टर्म्सटा एसोसिएट हो रैकेट तो हेनी के कबाड़ी बैडमिंटन रैकेट विकेट तो हेनी कहना विकेटा क्रिकेट को एसोसिएट कर टैकल पॉइंट देन गोल कबाड़ी गोल तो है ना तो ऑप्शन नंबर सी है कौन ना टैकल पॉइंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देखिए गमे आप गम्बे याता इज ए प्रॉपर्टी एट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन ना गम्बे याता है गम्बे याता इज ए प्रॉपर्टी एट तो यहाँ आपंकर लॉन्च कराइला क्यों स्टेट्र गोटे तो मन रखिए यहाँ हूँ आपंकर कर्णाटकर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देला हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी आपंकर प्रथम सेक्रेटरी थिले किए ना मोतीलाल नेहरू थिले किए थिले मोतीलाल नेहरू ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा हु एमंग द फॉलोइंग टुक अवे द फेमस आपंकर कोहिनूर ठीक अच्छे कोहिनूर डायमंड एंड द ज्वेल स्टॉक्ड पिकअप थ्रोन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया रु किए लुंठन कर नहीं जाते कोहिनूर हीरा एवं आपंकर पिकअप थ्रोन किए नहीं आप जानते समस्ते यहाँ मन रखिए नादिर शाहा किए नादिर शाहा नहीं जाते ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम केउझर प्लाटेउ। केउझर प्लाटेउ आपं नदी बाहर है मन रखिए यहाँ इंपोर्टेंट रहा केउझर प्लाटेउ आप बैतरणी नदी बाहर ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा इन सेप्टेम्बर 2022 व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हाज ओन ए यूएन अवार्ड फॉर इट्स हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। देखो सेप्टेम्बर 2022 रे हाइपरटेंशन कंट्रोल यूनिट पर तो यूएन अवार्ड जीति कंट्री ना हूँ किए ना मन रखिए समस्ते यहाँ हूँ आम इंडिया आम भारत जीतला। नेक्स्ट व्हेयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 आप ढाका ठारे आपंकर कौन ना प्रथम आसला तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नोन बाय इट्स लैटिन नेम कॉपर आपनर कॉपरम
एंड डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल सी यू। देखो सी यू हूँ आप कौन ना आप जोटा रहा कौन ना सी यू हूँ कपर ना है कपर तो कपर रहा आम अदरवैज आप कौन ना केमिकल नेम जो लाटिन नेम हूँ क्यूप्रम जोटा कि आम कही था तो सिंबल हूँ सी यू ऑप्शन सी। नेक्स्ट दे जी व्हिच अमंग दि फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन आपणकर टल्की फिल्म है तो प्रथम इंडियन टकी फिल्म हूँ किए ना समस्ते मन रखिए आलाम आरा है आलाम आरा हूँ प्रथम इंडियन टकी फिल्म ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन कही था कौन कही था टोन बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया रे जनरली देखा जाए एटा जनरल क्वेश्चन एटा बहुत थर रिपीटेडली पचार इंडिया रे जनरल देखा जाए ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट क्यों फॉरेस्ट देखा जाए ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे तो आम जीएस क्वेश्चन कम्प्लीट कले एवं पचासटा सिलेक्टेड कंप्यूटर क्वेश्चन को देखा तो जब आपको भिडियो भल लगे भिडियो को निहत भाव लाइक करेंगे। नेक्स्ट देखा फास्ट क्वेश्चन कौन दे पीडीएफ्टा मुझे देदेवि आम टेलीग्राम। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर आप फास्ट रहा द डिफरेंस बिटवीन पीपल विथ आसेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस आसेस इज नोन आज। देखो तो आप जो मैंने इंटरनेट कनेक्ट थे आप जो मैंने आसेस नए कनेक्टेड नए भितर डिफरेन्स जो था तो सभी डिफरेन्स को आम कौन कही था आम डिजिटल डिवाइड बोली कही था। ठीक अच्छे डिजिटल डिवाइड बोली कही था जो मैंने कनेक्टेड होता आपर जो मैंने कनेक्टेड हो नाता भितर डिफरेन्स को आम डिजिटल डिवाइड बोली कही था ऑप्शन नंबर वन हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीएसएल इज एग्जांपल ऑफ एन डैश कनेक्शन। देखो डीएसएल तो डीएसएल हूँ गोटे कौन ना नेटवर्क ना वायरलेस ना स्लो ना ब्रॉडबैंड तो डीएसएल गोटे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो ऑप्शन नंबर फोर हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए डैश इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हूँ साइज रेंजेस फ्रॉम 1 टू 100 नैनोमीटर तो आपने नानो साइंस बोली कही था है नानो साइंस हूँ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर हूँ साइज रेंजेस फ्रॉम 1 टू 100 नैनोमीटर। द नेम फॉर द वे विथ व्हिच कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इनफॉरमेशन इज कॉल्ड ताकू आम कही था कौन ना आम कही था द नेम ऑफ द वे कंप्यूटर जो वे रे डाटा को मैनिपुलेट करता है आम प्रोसेसिंग बोली कही था डाटा प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर टू हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला आफ्टर ए पिक्चर हाज बीन टेकन विथ ए डिजिटल कैमेरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड एन तो आम कौन कहवा ना आम जोटा पाइबा देखो आम कैमेरार फोटो उठेले हुए ना आम प्रिंटर ताको बाहर करवा प्रिंट ताको आम आउटपुट कहवा। ठीक अच्छे आउटपुट। नेक्स्ट ए कंप्यूटर सॉरी ए कमांड दैट टेक्स दैट ए कमांड दैट टेक्स व्हाट हैज बीन टाइप्ड इनटू द कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एंड सेंड इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर ताको आम कौन कही था देखो आम देखो आम एम एस वर्ड टाइप करू सपोज आम एम एस वर्ड गोटे डी टी कले। ठीक अच्छे तो आम गोटे रिज्यूम सपोज आम एम एस वर्ड कले तो आफ्टर रिज्यूम आम रिज्यूमटा को चेक कर सारापर आम तार प्रिंट नवा तो आम प्रिंट नापी कौन प्रेस करवा ना आम फास्ट प्रिंट प्रिव्यू देखा प्रिंट प्रिव्यू पर आम कौन ना कंट्रोल युक्त एफ टू कंट्रोल सहित एफ टू फंक्शन की टू प्रेस करवा देन आम आम प्रिव्यूटा पाई प्रिव्यू पाला देन आम कंट्रोल पी मारे आम प्रिंट कर पारा। ठीक अच्छे तो आम कौन कहे प्रिंट बोली कहवा ऑप्शन नंबर एक हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला द की व्हिच इट लेट्स यू टू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड है देखो गोटे मानने आपणकर सपोज आम गोटे प्रोग्राम देखिए ओपन करेंगे कंप्यूटर में तो आप लिखि गोटे सैड्रे हो कि कौन सी जगह लिखि थो देखो प्रेस एस्केप टू एग्जिट। ठीक अच्छे बा कैनसल है जदि आम एक्सेप्ट एस्केप की प्रेस करे तो से प्रोग्रामा लंच हो मैंने लंच हेनी रही। ठीक अच्छे ओपेन हेनी। नेक्स्ट देखिए द अबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड ताको आम कौन कही था देखो आम गोटे जगार एकाथर दु तीन टा विंडो आम ओपन कर पार ताको आम मल्टीटास्किंग बोली कही था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द बैच मेथड ऑफ इनपुट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बैच मेथड ऑफ इनपुट तो ताको आम कौन कही था डाटा इज प्रोसेस्ड एज सून एज इट इज इनपुट डाटा इज इनपुट एट द टाइम इट इज कलेक्टेड डाटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स एंड देन इनपुट टू द कंप्यूटर
सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर नॉट यूज्ड तो ताको हमें कहि थाउ डाटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स एंड देन इनपुट टू द कंप्यूटर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर यूज र बेनिफिट कौन द बेनिफिट हो कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा तो ऑप्शन नंबर 1। फंक्शन ऑफ सीपीयू सीपीयू फंक्शन कौन सीपीयू हो कंप्यूटर ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो करेक्ट आंसर कौन हो देखो करेक्ट आंसर टी ऑप्शन 3 टू रीड इंटरप्रेट प्रोसेस द इनफॉरमेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन नंबर 3। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल ठीक अच्छे व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी आम रम बोली मेक्स इट यूजफुल तो कौन हो करेक्ट आंसर ना रैम आम कौन करते हो ना डाटा इन रम इज नॉन वोलेटाइल दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रोनिकल पावर ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर 2। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड कमांड को प्रोसेस मैं डैश द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड ताको हमें कौन कहीदेव ना डाटा आम कौन कही थाउ ना एक्जिक्यूटिंग बोली कही थाउ ठीक अच्छे एक्जिक्यूटिंग नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्प्ले इनफॉरमेशन टू ए यूजर तो करेक्ट आंसर टी हेजबो डिस्प्ले आम देखि थाउ मॉनिटर रे देखि थाउ ऑप्शन ए हेजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट अपन देखिए द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम रो फिजिकल कंपोनेंट को आम कौन कही थाउ ना हार्डवेयर बोली कही थाउ जोटा को आम छुई पारना कि आम देखी पारना जो कंप्यूटर भितर थाए आम सॉफ्टवेयर बोली कही थाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन गोटे एप्लीकेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आम कौन कही थाउ विंडोज 95 विंडोज एक्सप्लोरर आइकन टास्क बार तो आम कही थाउ आइकन बोली कही थाउ ठीक अच्छे आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन टी आप रहा ए फील्ड इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ ए फील्ड इज ए रिलेटेड ग्रुप ऑफ तो मन रखिए फील्ड को आम कही थाउ कैरेक्टर्स तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर डैश की इज यूज तो आम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने आम क्यों की को प्रेस करवा मन रखिए रिस्टार्ट आम यूज करवा कौन रिसेट सिंपल रिसेट बटन को आम प्रेस करवा जो कि आम पाइबे विंडोज पाखे विंडोज मेनु पाखे पाइबे। नेक्स्ट देखिए द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग इनफॉरमेशन इन ए फाइल ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क और इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी सो इट कैन बी यूज लेटर ताको आम कौन कही थाउ ना आम कही थाउ स्टोर भी कही थाउ ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सेविंग इज द प्रोसेस तो सेविंग हूँ गोटे प्रोसेस कौन ना सेविंग हूँ तो आप सिंपल मन रखिए सेविंग हूँ कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा देखो प्रिंटेड इनफॉरमेशन डैश कॉल्ड डैश प्रिंटेड इनफॉरमेशन कॉल्ड डैश एक्जिट फिजिकली एंड इज मोर परमानेंट फ्रॉम ऑफ आउटपुट दैन दैट प्रेजेंटेड ऑन ए डिस्प्ले डिवाइस तो आम कही थाउ कौन ना आम हार्ड कॉपी बोली कही थाउ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा टू फाइंड ए सेव डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड ब्रिंग इट अप ऑन द स्क्रीन टू व्यू इज कॉल्ड ताको आम कही थाउ कौन ना ताको आम रिट्राइविंग कही थाउ ऑप्शन नंबर 3। द इंटरनेट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट को आम क्यों टाइप सिस्टम बोली कही थाउ तो इंटरनेट हूँ गोटे आपंकर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑप्शन नंबर 4। कोड कंसिस्टिंग ऑफ बार एंड लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ एंड लेंथ दैट इज कंप्यूटर रीडेबल इज नोन एज ताको आम कही थाउ ए बार कोड तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ए डैश इज ए यूनिक नेम दैट यू गिव टू ए फाइल ऑफ इनफॉरमेशन ताको आम कौन कही थाउ ना फाइल रो नेम बोली कही थाउ ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट ईमेल अटैचमेंट कहले आम बुझा कौन ना ईमेल अटैचमेंट हूँ ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विथ एन ईमेल मेसेज है। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल कंसीडर एडवांटेजेस ऑफ ईमेल ईमेल एडवांटेजेस हूँ कौन ना आम कन्वीनियंस स्पीड ऑफ डिलीवरी जनरलिटी एंड रिलायबिलिटी है ऑप्शन नंबर 1। ई कमर्स अलाउज कंपानीज टू ई कमर्स कौन अलाउज करे कंपानी को ना सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सरी एटा हम कौन ना आपर कंडक्ट बिजनेस ओवर इंटरनेट ई कमर्स मीनस ऑनलाइन बिजनेस ई कमर्स मीनस कौन ऑनलाइन बिजनेस जमी आप फ्लिपकार्ट है अमेज़न है बहुत आप जो इंटरनेट आप शॉपिंग प्लेटफॉर्म रोचे है सब आप कौन ना आपर ई कमर्स कंपनीज गुड़ा तो सी कंडक्ट बिजनेस ओवर इंटरनेट। नेक्स्ट देखिए इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल ए क्लाइंट प्रोग्राम तो ए क्लाइंट प्रोग्राम तो कौन करे ना आस्क फॉर इनफॉरमेशन ऑप्शन 1। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड
तो कंप्यूटर जो डाटा मैनिपुलेशन करता है तो हमें कही था डाटा प्रोसेसिंग बोली कही था। तो ऑप्शन नंबर आपर फोर हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क गोटे एग्जांपल हूँ डीवीडी। समस्त जानते प्रायतः डीवीडी हूँ गोटे ऑप्टिकल डिस्क डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट देखिए अनदर फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू रो अनदर फॉर्म हूँ कौन माइक्रो प्रोसेसर बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा ए मेनू कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ। मेनू रे आपनकर कहार लिस्ट थाए तो आपनकर मेनू रे बहुत प्रकार कमांड रो लिस्ट थाए हला ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखि ए कमांड टू गेट ए फाइल यू वर्क ऑन फ्रॉम मेमोरी व्वेर इट वाज स्टोर्ड ताको आम कौन कही था ना ताको आम कही था ओपेन बोली कही था। आम जो जगह रखी ताको आम ओपेन करिया कही था। नेक्स्ट ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज ए सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल ताको आम कही था कौन ना स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन डाटाबेस वेब पेज ठीक अच्छे ताको आम कही था डाटाबेस बोली कही था ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट एनेबल्स ए यूजर टू इंटरैक्ट विथ ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस आर नोन एज ताको आम कही था एप्लीकेशंस बोली कही था ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट इज द शेप ऑफ सीडी। सीडी रा शेप होची आपनकर कोन ना सर्कुलर आपन जानिथिबे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस तो आपनकर आउटपुट डिवाइस नो केउटी प्रिंटर स्कैनर देखंथो आउटपुट डिवाइस आपनकर स्कैनर गोटे आउटपुट नोए स्कैनर टा इनपुट। ए डैश कंटेंट्स बटन्स एंड मेनुज दैट प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स तो आपनकर केउटी ना टूल बार ठीक अच्छे बहुत सारा कमांड था टूल बार तो ऑप्शन नंबर 1। The dash enables you to simultaneously keep multiple pages open in one browser window. ताक आम कही था कौन ना ताक आम टैब रो बोली कही था हला टैब रो आपनर हाँ टैब रो ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट। नेक्स्ट आसला ए डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस तो आ भितर गोटे इनपुट डिवाइस कौटी कीबोर्ड प्रिंटर मदरबोर्ड सीपीयू सीपीयू की मदरबोर्ड प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस हूँ मेन आम इनपुट डिवाइस तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक अच्छे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले 40 प्लस आपंकर कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन जब आपको भिडियो भल लगी भिडियो को लाइक करेंगे सांगों सहित भिडियो सेयार करेंगे चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।